क्या असर होगा दोस्तों अगर चाइना और ताइवान जो है वो लड़ पड़े? ठीक है, क्या तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा? तो गोल्ड सिल्वर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जानते हैं दोस्तों हम डिटेल में ये वीडियो के अंदर। पहले बात करते हैं सपोर्ट के ऊपर, फिर बात करेंगे उसके रेजिस्टेंस मतलब कि टारगेट क्या हो सकते हैं उसके ऊपर। और मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो है वो सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, दोनों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, चाहे वॉर हो या ना हो, ये मेरा मानना है दोस्तों। ठीक है, कब क्या हो सकता है डिटेल में बात करेंगे। सिल्वर का वीडियो तो आप यहाँ पर सुन रहे हो, गोल्ड का वीडियो भी आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, गोल्ड के अंदर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों पहले सपोर्ट जोन के ऊपर। तो सपोर्ट रहेगा हमारा 57,750 से लेकर 57,550 का लेवल। अगर हम ये लेवल को काटते तो नीचे की तरफ जो है वो हमें देखने को मिल सकता है 57,050 का लेवल। इम्पोर्टेंट है ये, अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे जो है वो फाइनल सपोर्ट हमें ध्यान में लेना है 56,500 का लेवल। अगर ये लेवल फाइनल सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से गिरावट और तेज होगी और 56,050 से लेके 55,400 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर 57,550 के नीचे सस्टेन करते हैं, वो काटते हैं, क्लोजिंग भी नीचे करते हैं तो की बात चल रही है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे। अब बात कर रहे हैं उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। उससे पहले छोटा सा अपडेट दे देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे दोस्त जो है वो मुझे बता रहे हैं कि सर आपने जो आपका ट्रेडिंग सेटअप जो दिया था, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप मैं यूज़ करता हूँ वो मैंने आप सब लोगों के लिए ओपन कर दिया कि कौन सा जो मेरा इंट्राडे का ट्रेडिंग सेटअप होता है, साथ में आप उसको पोजिशनल 2-4 दिन का भी अगर व्यू लेके चलना चाहो तो भी आप उसका यूज ले सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो उसका बेनिफिट उठाना, सिर्फ दोस्तों 99 रुपये, 99 रुपीज़ के अंदर दिया है। वैसे तो उसकी कोई कीमत है ही नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए देकर भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा, वो आपको मैं सिर्फ 99 में दे रहा हूँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, क्योंकि लॉस ना हो ये मेरा मेन जो है वो टारगेट है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे होगा चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस दोस्तों बनेगा हमारा 58,050 से लेके 58,300 का लेवल। अगर दोस्तों ये 58,300 के ऊपर चलता है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये 58,300 के लेवल के ऊपर चलता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर देता है दोस्तों, तो अलर्ट हो जाना अगर शॉर्ट है तो, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ से जो है वो भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है। फिर आपको लेवल दोस्तों देखने को मिल सकते हैं 58,800 का इम्पोर्टेंट लेवल। फाइनल रहेगा 59,350। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त मानेंगे नहीं कि क्या ऐसे जो है वो आएगा। ठीक है, 58,300 के ऊपर अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो 59,350 के ऊपर आप बात को माननी पड़ेगी। अगर 59,350 के ऊपर कोई गलती से शॉर्ट में रुका दोस्तों, तो वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो फंस सकता है। तो खास ध्यान में रहे, 59,350 का लेवल अगर ऊपर की तरफ काटता है तो यहाँ से भयानक तेजी हो सकती है अगले आने वाले समय के अंदर। और 59,750 से लेके दोस्तों 60,400, फिर तो 61,500 और 62,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम 60,000 के पार जो है वो जा सकते हैं अगर 58,300 के ऊपर चलते हैं तो की बात है। तो ये रही पूरी दोस्तों एनालिसिस। अगर आपको मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखना हो कैसा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।